नमस्कार साथियों, मैं नवर्तन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब आज मैं शिव पुराण के कुछ लेसन पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई। इसमें एक जिक्र किया गया था कि शिव भगवान के तीन नेत्र बताए गए, यानी तीसरा नेत्र है जब भी खुलेगा तो दुनिया का विनाश निश्चय। मैंने इस बात पे गौर किया कि भाई तीसरा नेत्र है वो मतलब कैसे खुलेगा और क्यों दुनिया का विनाश होने वाला है। ये गौर करने लायक बात है कि ये तीसरा नेत्र है वो क्या चीज है। शिव भगवान थे वो मतलब ऐसे योद्धा थे जो साम दाम दंड भेद इन चारों नीतियों से जो विदेशी हमारे भारत में आकर बसे हुए हैं। 85% लोग है वो भारत के मूल निवासी यानी कि आदिवासी, और जो 15% लोग है वो है विदेशी प्रजाति के लोग है जो भारत में राज कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब क्या किया कि उस चीज को शिव की तीसरी आंख किसे बताया है, इस चीज के बारे में हम आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि वो तीसरी चीज यानी तीसरा नेत्र क्या कौन सा है जिसके कारण मतलब विनाश हो जाएगा। ये सोचने लायक बात है। इस वीडियो को गलत वे में ना ले, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटिवेशनल भी है, क्योंकि तीसरा नेत्र है वो है शिक्षा। इन लोगों को डर था कि अगर ये लोग शिक्षित हो गए यानी शिव से जुड़े हुए लोग जो है वो शिक्षित हो गए तो विनाश निश्चित है, क्योंकि इनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। और अब वो धीरे धीरे समय आ रहा है कि तीसरा नेत्र खुलने वाला है और इनका मतलब नाश होने वाला है और इनका पत्ता साफ होने वाला है। यानी शिक्षा है वही शिव का तीसरा नेत्र है, यानी आपको आत्म ज्ञान होगा तो तीसरा नेत्र शिव का अपने आप ओपन होने वाला है। अब आप सोचोगे कि ये वीडियो थोड़ा समाज और धर्म से हटके, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आदिवासी है यानी भारत के मूल निवासी है उनके भगवान आज भी जिंदा है, ये मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूं। वो कैसे जिंदा है, यानी आदिवासी है वो मूल निवासी है, उसकी संस्कृति है वो है प्रकृति से जुड़े रहते हैं, यानी प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं, प्रकृति को अपना देवता मानते हैं। देवता का अर्थ है जो देता है। तो एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, पेड़ है, पेड़ को आदिवासी भगवान मानते हैं, उसे पूजते। मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन से मतलब अपन जिंदा है, तो वो हमारे लिए देवता हो गए। और पानी है उसको हम पीते हैं तो वो हमारे भगवान हो गए। सूर्य है, सूर्य की रोशनी मिलती है हमें, विटामिन मिलते हैं। तो ये है मतलब आदिवासियों यानी मूल निवासियों के भगवान जो आज भी जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब मैं नास्तिक हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं आस्तिक हूं, पर मेरा मानना है कि नास्तिक होना भी उतना जरूरी नहीं है जितना आस्तिक होना जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा प्रेम अगर यानी एक ईश्वर के रूप में हम अगर प्रकृति को देखते हैं तो प्रकृति और हमारा जो तालमेल है वो बना रहेगा। अगर हम प्रॉपर नास्तिक हो गए तो वो अपना जो संबंध है वो टूट जाएगा, और हम मतलब जैसे पेड़ आज बहुत ज़्यादा संख्या में कट रहे हैं और जंगलों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि कितनी भयंकर कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां भी आ गई है। अगर अपना जो संबंध है प्रकृति के साथ बनाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक आस्तिक होना पड़े, प्रकृति के प्रति आस्था होना जरूरी है। हाँ, जो मतलब समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनसे ऊपर उठकर अगर अपने प्रकृति को देवता के रूप में देखते हैं या भगवान या ईश्वर के रूप में देखते हैं तो वो गलत बात नहीं है मेरे हिसाब से, और बाकी आप समझदार हैं।
क्योंकि जो भगवान जैसी संरचना या ईश्वर जैसी संरचना दुनिया को देखने को मिली है वो लगभग कह सकता हूँ कि आदिवासियों से, और आदिवासियों के भगवान सच्चे हैं क्योंकि वो अपने को जीवन देते हैं, जीवन दाता है। इसलिए ये वीडियो समाज या धर्म से हटके नहीं, लेकिन गौर करने लायक बात है कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन या हथियार है जिससे अपन हर चीज पे विजय पा सकते हैं। मेरे कहने का भाव आप समझ रहे हैं कि शिव का जो तीसरा नेत्र है वो शिक्षा है, और जब ये ओपन होएगा तो जिन लोगों ने कहा है कि विनाश आएगा, मेरे को तो नहीं लगता कि विनाश आएगा, क्योंकि लोगों के अंदर ज्ञान का संचार होगा, और ज्ञान तो आप जानते हैं कि कितना लाभदायक है हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए। यही वो तीसरा नेत्र है, पर समाज के जो कुछ धर्म के कुछ लोग हैं जो अपना बिजनेस समझ रहे हैं धर्म को, समाज को, वो इसी कुर्तियां समाज के अंदर स्थापित करती है। तो इन कुर्तियों जो बुराइयां हैं समाज के अंदर फैली हुई बुराइयां हैं उनसे ऊपर उठना है, तभी हमारे समाज का, हमारे धर्म का, हमारे देश का विकास होना संभव। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज की जानकारी जो आज का तीसरा नेत्र था, मैंने आपको बताया कि शिव का तीसरा नेत्र कौन सा है, वो कैसे ओपन होने वाला है, और इसके क्या दुष्प्रभाव है, क्या मतलब अच्छे परिणाम आने वाले हैं, तो उसके बारे में अपनी राय है, जैसी भी राय हो। राय दो प्रकार की होती है, नेगेटिव भी आएगी, पॉजिटिव भी आएगी, जैसी भी हो आप कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए NS Point YouTube चैनल को। धन्यवाद।